DSA पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, पढ़ कैसे पढ़े भाई, 500-500 क्वेश्चन दे रहे हैं टॉपिक के, कैसे करूंगा। हेलो जी, कैसे हो सारे, दिस इज लव बब्बर एंड दिस वीडियो विल टॉक अबाउट GFG। GFG का मतलब गीक्स फॉर गीक्स। तो जितने भी CS ब्रांच वाले बच्चे हैं उन सबको पता है क्या GFG गीक्स फॉर गीक्स एक वेबसाइट है जहां पर आपको अगर हम ध्यान से सोचें सब कुछ मिल जाता है, आपका डाटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के रिसोर्सेज, एप्टीट्यूड, पजल्स, इंटरव्यू एक्सपीरियंस, मतलब सब कुछ जो आप सोच सकते हो वो सब आपको वहां पर मिल जाएगा। अब वो वेबसाइट इतनी ज़्यादा बड़ी है, इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं कि ये चीज़ बोलना बहुत आसान है कि यार तू GFG फॉलो कर ले और तेरे को DSA करनी है, DSL को करनी है, तू GFG फॉलो कर और वहाँ से तेरा सारा काम हो जाएगा, तू प्लेसमेंट के लिए एकदम बिल्कुल रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो बोलना आसान है GFG कर ले, और GFG की वेबसाइट जब खोलोगे, अभी दिखाएंगे खोल के आपको, तो जब खोलोगे तब पता लगेगा यार ये तो भाई ने बेवकूफ बना दिया। तो इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, अपने को सिलेक्टिव स्टडी करनी होती है, सिर्फ पिक पिक करके करना, हाँ ये उठा ले, ये उठा ले, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, सारी चीज़ हम नहीं कर सकते, वो पॉसिबल ही नहीं है। अब GFG के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी, जिसमें से बहुत सारी हमारे काम की नहीं है। तो हमें क्या क्या पढ़ना है सिलेक्टिव स्टडी के अंदर, और एक कॉलेज का बच्चा क्या क्या पढ़ता है वहाँ से, वो सब मैं आपको बताऊंगा। कितना पढ़ना है, कैसे करना है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करना है, कितना टाइम अलॉट करना है, कौन कौन से टॉपिक करने हैं, वो सारा डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर GFG में जितनी भी हमारे पास टॉपिक्स हैं उनको मैंने दो चीज़ों में डिवाइड किया है, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर चार पॉइंट्स आते हैं, डाटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, इंटरव्यू एक्सपीरियंस और पजल्स। तो ये मेन जो चीज़ें हैं प्राइमरी वाली, इसको बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं, और GFG का मेन यूज़ जो है, मेन जो इंटेंट है आपका GFG यूज़ करने का, वो यही होना चाहिए कि मैं ये चार चीज़ें GFG के थ्रू करने वाला हूँ। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारा सेकेंडरी वाला। सेकेंडरी के अंदर भी चार पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फिर CS के सब्जेक्ट्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, OOPS, तो ये सारे सब्जेक्ट्स भी आपको यहाँ से पढ़ सकते हो। उसके बाद आपके एप्टीट्यूड और प्रोग्रामिंग MCQs, और लास्ट हमारे पास है प्रोजेक्ट के आइडियाज़, कि आपको आइडिया चाहिए C++ में क्या क्या प्रोजेक्ट बना सकता हूँ, किसी बच्चे ने यहाँ से बना रखे हैं, तो यहाँ से आप इंस्पिरेशन ले सकते हो कि हाँ यार ये हो सकता है, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, मतलब इसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी कर सकता हूँ। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइड किया है। अब वन बाय वन इन सबको डिस्कस करते हैं कैसे करना होता है। सबसे पहली चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम स्टार्ट करें, वो करेंगे डाटा स्ट्रक्चर्स के साथ और एल्गोरिथम्स के साथ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ओपन करते हैं GFG, गीक्स फॉर गीक्स। अब यहाँ पर अगर हम आए तो यार ये GFG का मेन पेज है, यहाँ पर अपने को बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी देखने के लिए, जैसे ट्यूटोरियल्स में जाएंगे, एल्गोरिथम, डेटा स्ट्रक्चर, लैंग्वेज, इंटरव्यू कॉर्नर, गेट वगैरह 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 वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं। जो मेन चीज़ें हैं वो हम सिर्फ वही करने वाले हैं, ज़्यादा फालतू की चीज़ें नहीं करेंगे, तो जो रिक्वायर्ड है सिर्फ वही करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो हमें डिस्कस करनी है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर में हम यहाँ पर देखें अगर, तो हमारे पास एरे, लिंक्ड, बहुत सारी चीज़ें हैं, इनमें हमको क्या करना है, ये सारा पार्ट करना है, और एडवांस के अंदर सिर्फ सेगमेंट्री करना है, ट्राई करना है और डिजॉइंट सेट करना है, ठीक है। तो ये हो गया कि हमें टॉपिक क्या क्या करना है। अब इसके और अंदर जाते हैं कि जैसे मान लो कि बाइनरी सर्च की अगर मैं बात करूं, तो बाइनरी सर्च में चलते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रखा होगा इन्होंने कि हाँ यार ये बाइनरी सर्च होता है, डेफिनेशन टाइप कुछ को दे रखा है, और थोड़ा रिसोर्सेज दे रखे होंगे जहाँ से आप इसको पढ़ सकते हो कि हाँ थोड़ा थ्योरी को समझ के कि हाँ यार ये चीज़ बाइनरी सर्च होती है। जब आपने टॉपिक समझ लिए, कॉन्सेप्ट समझ लिया, उसका आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। अब जब आप GFG करते हो तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जैसे अगर मैं BST के क्वेश्चन दिखाऊँ आपको कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पर, ये 18, 42, 8, तो मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। अगर हम हर टॉपिक के इतने ज़्यादा क्वेश्चन करने बैठ गए तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हमें करना क्या है यहाँ पर, हम इस तरीके से करेंगे कि हमने स्टार्टिंग में पहले स्टार्टिंग के 10-15 क्वेश्चन कर लिए। जब स्टार्टिंग के 10-15 क्वेश्चन कर लिए हैं, हमें अच्छा खासा बेसिक आइडिया लग गया है कि हाँ ये BST होता है। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन आता है तो अगर मैं उसको लॉजिक बना पा रहा हूँ, मतलब अब मेरे को लॉजिक बनने लग गया मेरे दिमाग में, यार इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करूंगा, तो मैं लॉजिक बनाकर अपने एडिटोरियल में जाकर चेक कर सकता हूँ कि यार सेम लॉजिक था क्या, तो उसको मैं मतलब सिर्फ लॉजिक सोच के छोड़ सकता हूँ, इंप्लीमेंटेशन करने की जरूरत नहीं है। पर जब स्टार्टिंग में 10-15 क्वेश्चन कर रहे हो, उनका आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। मतलब इसका मतलब ये नहीं कह रहा मैं आपको कि सिर्फ 10-15 क्वेश्चन ही करो, मतलब ये कि जैसे यहाँ पे 80 के अराउंड क्वेश्चन हैं, तो आप इसमें से ट्राई करो कि 40-45 कर लो, बाकी सारे तो आप मतलब लॉजिक सोच के एडिटोरियल से वेरीफाई कर सकते हो, तो इससे आपका टाइम भी बचेगा और ये स्मार्ट स्टडी भी हो जाएगी आपकी। अब बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं यहाँ पर ट्यूटोरियल्स में, डेटा स्ट्रक्चर में, तो जिस हिसाब से मैंने किया था वैसे बताता हूँ आपको कि आपको एरे और स्ट्रिंग्स में 100-100 मिनिमम क्वेश्चंस करने ही करने हैं, क्योंकि वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो 100 क्वेश्चन करने ही करने हैं। बाकी सारे डेटा स्ट्रक्चर के 50 करने हैं, और जब मैं DP की बात करता हूँ तो DP में एटलीस्ट आपको 100-150 क्वेश्चन करने ही करने हैं। अगर इतने क्वेश्चन कर लेते हो तो बिल्कुल प्रो हो जाओगे। और आप सीनियर से ही बात करोगे अपने, सीनियर को पूछोगे GFG कैसे करनी है, तो सीनियर एक चीज़ बोलेगा भाई GFG चाट के जाइए पूरा, ठीक है। तो समझ जाओ अगर वो कह रहा है GFG चाट के जाइए तो क्या मतलब है इस बात का, ठीक है।
तो अराउंड एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस पर टॉपिक आपको करने ही करने हैं। अब बात करते हैं कि भैया आपने ये तो बोल दिया कि यार इतने क्वेश्चंस करने हैं, 50 करने हैं, 100 करने हैं, बट कौन से क्वेश्चन करने हैं ये कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे एक और तरीका है कि आप जा सकते हो प्रैक्टिस में, प्रैक्टिस तो पहले आता था यहाँ पे, सर्च मारते हैं भाई, practice.geeksforgeeks.org। यहाँ पर जब आप जाते हो तो आपको दिखा देगा ये, प्रैक्टिस पे क्लिक करेंगे हम, ये डेटा स्ट्रक्चर दिखा देगा। तो आप या तो यहाँ पर किसी टॉपिक में जाके, यहाँ पर हम चले गए, अपना डिफिकल्टी लेवल सेट करके कि हाँ यार पहले मैं मीडियम क्वेश्चन करूंगा, जैसे मैं 50 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ तो पहले मैं 15 इजी क्वेश्चंस कर लेता हूँ, फिर मैं 25 मीडियम क्वेश्चन कर लूंगा और फिर मैं 10 क्वेश्चन हार्ड वाले कर लूंगा। तो यहाँ से अपना डिफिकल्टी लेवल सेट कर सकते हो कि हाँ यार स्कूल लेवल है, बहुत बेसिक होता है, तो डिफिकल्टी लेवल सेट कर लो। साथ में टैग्स आते हैं यार यहाँ पे कि हाँ ये इस कंपनी में पूछा गया था, ये इस कंपनी में पूछा गया था, और डिफिकल्टी लेवल और टैग्स के आधार पर अपने 50 क्वेश्चन डिसाइड कर सकते हो कि हाँ ये वाले 50 क्वेश्चन मैं करने वाला हूँ, एक एक करके करते जाओ। और सेकंड तरीका जिससे आपकी मेहनत बचेगी, तो एक प्लेसमेंट सीरीज की प्लेलिस्ट मैंने पहले से बनाई हुई है, यहाँ पे आ रही है। तो इस प्लेलिस्ट के अंदर हर वीडियो में अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो एक क्वेश्चन सेट मैंने पहले से प्रिपेयर किया हुआ है, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको जीएफजी के मिल जाएंगे, जिसमें मैंने बेसिक क्वेश्चन और इंटरमीडिएट क्वेश्चन पहले से हैंड पिक किए हुए हैं। तो मेहनत बचानी है तो वो भी कर सकते हो, अगर वो नहीं करने तो आप ये वाला तरीका आजमा सकते हो कि प्रैक्टिस में जाना है, डिफिकल्टी लेवल और टैग्स के आधार पर क्वेश्चंस करने हैं। तो डाटा सेट से की बात यहाँ पे खत्म हो गई है। तो कैसे करा हमने टॉपिक देख लिया कौन कौन से करने हैं, हर टॉपिक के कितने क्वेश्चन करने ये पता लगा लिया, अब वो क्वेश्चन कौन कौन से करने ये बता दिया आपको मैंने, डिफिकल्टी लेवल और टैग्स के आधार पर निकाल लो या फिर जो मैंने सेट बना रखे हैं वो फॉलो कर लो। तो डेटा स्ट्रक्चर के लिए ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब सेकंड चीज की जो हमें बात करनी है प्राइमरी सेक्शन के अंदर, वो है एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम्स में अगर हम जाएं, एल्गोरिथम चलते हैं पहले ट्यूटोरियल्स एल्गोरिथम, तो यहाँ पे मतलब बहुत सारी यार है ना। तो एनालिसिस में आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पता होना चाहिए, सर्चिंग करनी है, सॉर्टिंग भी करनी है, ग्राफ भी करनी है, पैटर्न सर्चिंग भी करनी है, ज्योमेट्रिक नहीं करोगे चल जाएगा, मैथमेटिकल नहीं करोगे तो भी चलेगा, मतलब उस लेवल का नहीं आएगा, रैंडमाइज नहीं करोगे तो भी चलेगा, ग्रीडी करनी है, डीपी करनी है, डिवाइड एंड कंकर करनी है, बैकट्रैकिंग करनी है, ब्रांच एंड बाउंड थ्योरेटिकल होता ज्यादा, मतलब वैसे इंटरव्यू में पूछ लेंगे बट कुछ क्वेश्चन वगैरह नहीं करवाते, ज्यादातर रेयर केस में पूछ सकते हैं बट कोई बात नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। सेम चीज रहेगी यहाँ पे भी, सेम चीज आपको फॉलो करनी है, वही प्रैक्टिस में जाना है, वही डिफिकल्टी लेवल सेट करना है, वही आपको टैक्स देखने हैं और उसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम रहेगा भाई, मुझे डीपी मैंने बताया डीपी में आपको 100 क्वेश्चन तो एटलीस्ट करने ही करने हैं, बाकी सब में आप 30-50 क्वेश्चन आराम से कर लो और बहुत सारी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम वाला पार्ट डन हो चुका है। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे जो कि इंटरव्यू एक्सपीरियंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको बताते हैं क्यों करते हैं हम ऐसे। यहाँ पे इंटरव्यू कॉर्नर में जाएंगे और ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस आ गया, ठीक है, इंटरव्यू एक्सपीरियंस कर सकते हैं और इंटर्नशिप इंटरव्यूज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये इंटरव्यूज आ गए, कंपनी वाइज हम देख सकते हैं। अब मान लेते हैं कोई बच्चा है जिसका एक दो हफ्ते बाद Amazon में, Flipkart में, किसी कंपनी में भी इंटरव्यू है, तो यहाँ पे इंटरव्यू एक्सपीरियंस में जाके, जैसे उसका Flipkart में इंटरव्यू है, Flipkart में हम जाएंगे और यहाँ पर वो उसको बहुत सारे पुराने इंटरव्यू एक्सपीरियंस मिल जाएंगे, जो बच्चे देख के आ चुके हैं उनसे क्या क्या पूछा, सब्जेक्टिव में क्या पूछा, कोडिंग क्वेश्चंस क्या क्या पूछे, तो एक आइडिया लग जाएगा। अब स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करनी है कि जब मेरा एक हफ्ते बाद, दो हफ्ते बाद इंटरव्यू किसी भी कंपनी का, उस कंपनी के इंटरव्यू एक्सपीरियंस में यहाँ पे आके देखूंगा, कितने देखूं भाई, एटलीस्ट आपको 50 इंटरव्यू एक्सपीरियंस पढ़ने हैं यहाँ पे, 50 आप पढ़ लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस पैटर्न के क्वेश्चन से पूछते हैं, ठीक है, तो आपके लिए फिर इंटरव्यू देना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस वाला जो बिल्कुल फंडा है, ये मैंने फॉलो कर रखा है और जितने बच्चे मुझसे पूछते हैं उन सबको मैं यही गाइड करता हूँ, अगर उनका रिसेंट मतलब बहुत आसपास ही इंटरव्यू होता है तो यही बोलता हूँ भाई अभी इस स्टेज के अंदर कुछ नहीं करना, सिर्फ इंटरव्यू एक्सपीरियंस पढ़ो, वही सारे क्वेश्चन एक बार करके देख लो कि आपसे हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अपने को बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं करना है, आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंस पढ़ना है जब भी आपका इंटरव्यू बहुत नज़दीक हो। अगली चीज़ पर चलते हैं जो कि है हमारे पास पजल्स। तो पजल लिख के देखते हैं, आ गई पजल आर्काइव्स। तो यहाँ पर ये पजल्स है जीएफजी की यार। तो कभी कभी इंटरव्यूज में क्या होता है यार, आपके इंटर्नशिप में ज्यादातर होता है कि आपसे पजल्स पूछ लेते हैं। अब आपने पजल्स कभी सॉल्व नहीं करी तो हो सकता है कि आपसे इंटरव्यू के टाइम पे भी सॉल्व ना हो। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इनके पास 200 प्लस पजल्स पड़ी हुई हैं। तो आप जाओ एक बार सारी देख लो, अगर रोज पांच पजल भी सॉल्व कर लेते हो तो आपकी बहुत जल्दी सारी की सारी कवर हो जाएंगी। यहाँ से आपका एक थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाएगा कि अगर इंटरव्यूअर को नई पजल भी देता है तो आपका एक प्रोसेस डेवलप है पहले से ही, जिससे आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये चार चीजें मैं आपको बता दी, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, इंटरव्यू एक्सपीरियंस और पजल्स। अब इन चीजों से आप ये मान के चलो कि आपका 80% काम तो डन हुआ पड़ा है, ठीक है, जी आप बहुत सही तरीके से फॉलो कर रहे थे। अब सेकेंडरी सेक्शन जो था वो वाले चार पॉइंट की बात कर लेते हैं यार। तो इन तरीकों से अगर आप जीएफजी को फॉलो करोगे तो आप बहुत ज्यादा निकाल पाओगे, आउटपुट आपका बहुत ज्यादा होगा। अब डिस्कस करते हैं लैंग्वेज वाले सेक्शन के बारे में। अब अगर हम ट्यूटोरियल्स में जाएं, लैंग्वेजेस में जाएं और C++ की अगर मैं बात करूं तो C++ में जाके देखते हैं, तो यहाँ पे आपका मतलब जितना कुछ हो सकता है C++ में सब कुछ दिया होगा आपको, बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली, ठीक है।
तो इसको करेंगे तो हमारे पूरी 4 साल की बीटेक निकल जाएगी, तो ऐसा नहीं करेंगे इसको, क्योंकि यहाँ से अगर करने बैठे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ से हम सिर्फ सिलेक्टिव टॉपिक्स ही करने वाले हैं और पूरा पूरा नहीं पढ़ने वाले हैं। अब सिलेक्टिव में लोग जो करते हैं ज़्यादातर यहाँ पे, मतलब वैसे तो वीडियोज़ वगैरह देख के यूट्यूब पर लैंग्वेज समझ लेते हैं, बट जीएफजी बेसिकली फॉलो होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग समझने के लिए। आपने कोई भी लैंग्वेज कर ली, सी प्लस प्लस कर ली या जावा कर ली, आपको ऊप्स कॉन्सेप्ट समझने हैं तो ऊप्स कॉन्सेप्ट के लिए जीएफजी जो है बिल्कुल बेस्ट रिसोर्स है, ठीक है। तो आप किसी लैंग्वेज के ऊप्स कॉन्सेप्ट समझना चाह रहे हो तो जीएफजी को फॉलो कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं सीएस सब्जेक्ट्स पर। यार अब हम यहाँ पर ट्यूटोरियल्स में जाएंगे, फिर से सीएस सब्जेक्ट्स आ गया, हम बात कर रहे हैं, मतलब कोई सा भी कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी कर सकते हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके फिर दोबारा बहुत सारा मैटर पड़ा हुआ है पहले से, ठीक है। तो अब इस मैटर को छोटा कैसे करना है, स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वहां पर मैं पूरी एक ओएस की बुक भी शेयर कर चुका हूं और उसके इंडेक्स में मैंने मार्किंग कर दी क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वहां से इंडेक्स को देख के आप देख सकते हो और वो इंडेक्स को फॉलो करके यहां से आप पढ़ सकते हो जीएफजी फॉलो करके, ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्टिव वाला पार्ट भी डन हो गया। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट आइडियाज के बारे में। तो ये देखते हैं प्रोजेक्ट आइडियाज कैसे होते हैं बच्चों के। यहाँ पे जाएंगे स्टूडेंट्स में, जाएंगे प्रोजेक्ट में, तो ये देखो सी प्लस प्लस के कुछ प्रोजेक्ट्स बच्चों ने बना रखे हैं, तो यहाँ से आपको आइडिया मिल गया यार अगर फेस डिटेक्शन बनाना है मुझे सी प्लस प्लस का यूज़ करके तो ऐसे ठीक है, जावा में ये बना रखे हैं, पाइथन में ये बना रखे हैं। तो बेसिकली कॉपी पेस्ट नहीं करना अपने को, अपने को यहाँ से देखना है कि लोग क्या क्या बना रहे हैं, इसमें मैं या क्या मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ, इसको और ऑप्टिमाइज कैसे कर सकता हूँ, या फिर इसी का यूज़ करके कुछ और मतलब नया आइडिया मैंने सोचा उसको इंप्लीमेंट कर लेता हूँ। इंस्पिरेशन लेनी है, कॉपी नहीं करनी, ठीक है। बहुत छोटा सा गैप होता है इसमें इंस्पिरेशन और कॉपी वाले हैं, मतलब कॉपी को इंस्पिरेशन बोल देते हैं, पर देख लेना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो हमारा सबसे लास्ट पॉइंट है एप्टीट्यूड रीजनिंग और प्रोग्रामिंग वाले एमसीक्यूज, ठीक है। तो वो वाला पार्ट हमें कहाँ से करना है ताकि हमें ढंग से चीजें समझ में आ जाए। अब आपने ओएस पढ़ ली, डीबीएमएस पढ़ ली, ऊप्स पढ़ ली, आप चाहते हो कि जिस लेवल के एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमारे ऑनलाइन टेस्ट के अंदर, या फिर एप्टीट्यूड के जिस टाइप के क्वेश्चन या फिर रीजनिंग के क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे ऑनलाइन टेस्ट में, वो मुझे प्रैक्टिस करने तो मैं कहाँ से करूँ, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। आपको जानना है क्विज कॉर्नर में, क्विज कॉर्नर कहाँ होता है भाई, ये पता नहीं कहाँ होता है यार, ये रहा। तो क्विज कॉर्नर में जाएंगे, यहाँ पे मतलब अल्टीमेट है यार, सी प्लस प्लस के, सी के, जावा के, एप्टीट्यूड के, और किसी भी सब्जेक्टिव के आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो आपको करना क्या है, जो भी टॉपिक आपने पढ़ा, जैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं, तो जैसे हमने यहाँ पे इनमें से कोई भी टॉपिक पढ़ा, तो उस टॉपिक के एटलीस्ट हम 2 मॉक टेस्ट दे लें। और ये चीज़ मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ कि जो जो आप यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो मॉक टेस्ट के अंदर, एक्जैक्टली सेम टू सेम आपके ऑनलाइन टेस्ट में बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो छाप देंगे, यहाँ तक कि ऑप्शंस भी सेम होंगे। तो मॉक टेस्ट एक बार दे लेना, 2-2 कम से कम दे देना, और सेम टू सेम आपके ऑनलाइन टेस्ट में सारी की सारी कंपनी छाप देती है, मतलब एक भी एक्सेप्शन नहीं है, सेम टू सेम आएंगे बिल्कुल। तो यहाँ से आपका सारा पार्ट डन हो गया जीएफजी यूज़ करने के लिए। डीएस करनी है हमें, एल्गो करनी है हमें, कौन कौन से टॉपिक करने हैं, कितने क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं सब डिस्कस कर लिया। इंटरव्यू एक्सपीरियंस का फायदा क्या होता है, क्यों पढ़ूं, कितने पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, कंपनी स्पेसिफिक जाते हो आप क्योंकि आपका रीस बहुत जल्दी आसपास में इंटरव्यू होता है। उसके बाद बात करें पजल्स की, तो 200 के अराउंड ही पजल है इनके पास, तो एक बार सारी नजर मारना रोज 5-5 करके, तो उससे आपका फायदा हो जाएगा। फिर सेकेंडरी सेक्शन जहाँ पे आपकी लैंग्वेज में ऊप्स वाला पार्ट आप पढ़ोगे, सीएस सब्जेक्ट्स में ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, ऊप्स, ये सब आप देखने वाले हो, ठीक है। मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने इंडेक्स टिक मार रखे हैं, टॉपिक बता रखे हैं क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, वो टॉपिक आप यहाँ पे आकर जीएफजी से रेफर कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं एप्टीट्यूड की, वो मैंने मॉक टेस्ट वाला आपको बता दिया पूरा का पूरा। और फिर आपके प्रोजेक्ट आइडियाज के, मतलब बच्चों को डाउट होता है कि मैं सी प्लस प्लस अभी आती है और जावा आती है, तो मतलब कैसे प्रोजेक्ट बनाऊँ इसके यूज़ करके, तो आप यहाँ से देख सकते हो उस चीज़ को भी, ठीक है। मैंने सोचा था वीडियो 4-5 मिनट की बनेगी, पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हुई है, बट कोई नहीं, रिसोर्सेज जितने अच्छे तरीके से मैं बता सकता था आपको कैसे स्टडी करना है, कैसे यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप सर्च मारोगे तो एक सिंगल वीडियो भी आपको नहीं मिलेगी यूट्यूब पर जिसने बताया कि जीएफजी यूज़ कैसे करते हैं। मतलब सब ये बोल देंगे कि जीएफजी यूज़ कर लो, डीएसए पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, पर कैसे पढ़ें भाई, 500-500 क्वेश्चन दे रहे हैं टॉपिक के, कैसे करूँगा। तो आपको मैंने बता दिया कैसे करना है, यही अप्रोच फॉलो करनी है, और डेफिनेटली टेली मार्केट वाली फील आ गई, नहीं बोलना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना था, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में बताना यार कि वीडियो कैसी लगी, मजा आए तो लिख देना मजे आ गए भैया, और कुछ छूट गया तो बता देना भैया, ये पॉइंट कवर कर लेना, मतलब कभी अगले लाइव सेशन बता दूंगा आपको। बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।